Hi friends, so today we are here to discuss the differences between budget and forecast. Budget क्या होता है, forecast क्या होता है, क्या इन दोनों में major differences होते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे. Total 6 point of differences we are going to discuss in today's video. Okay, so let's start. Difference क्या है budget और forecast में? सबसे पहला point of difference हमारा रहेगा meaning. ठीक है, कि budget क्या होता है, what is the meaning of budget and what is the meaning of forecast. बजट क्या है? बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट इन एडवांस बिफोर टेकिंग एक्शन. ठीक है, और फॉरकास्ट क्या है? इट मींस द एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर सिचुएशन बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा. सिंपल सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैं आपको क्लियर करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. पहली बात तो आपको ये जानना है कि पहले फॉरकास्टिंग का फंक्शन परफॉर्म होता है. क्यों? क्योंकि फॉरकास्ट में आप पहले ये जानोगे गाइस कि फ्यूचर में क्या कंडीशंस हैं जिसमें बिजनेस को ऑपरेट करना है. फ्यूचर में हमारे पास क्या, हमारे जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है या डिक्रीज होने वाला है, जो हमारे पास लेबर है उसकी सप्लाई इंक्रीज होने वाली है या डिक्रीज होने वाली है, जो असेट्स हैं हमारे पास या फिर जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है इन फ्यूचर, उनके प्राइजेस का क्या इम्पैक्ट है इन फ्यूचर, उनके प्राइजेस पर क्या इम्पैक्ट है इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में उनके प्राइजेस क्या इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी इन फ्यूचर, वो आपको जब एस्टिमेशन आप लगाते हो इकोनॉमिक कंडीशंस का अबाउट द फ्यूचर, जब आप एस्टिमेशन लगाते हो आज बैठकर, तो उसे हम बोलते हैं फॉरकास्ट करना. और इन्हीं सब फॉरकास्टिंग को किया जाता है ताकि एक बजट को, एक फाइनेंशियल प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सके, उसको पहले बनाया जा सके और उसके बाद उसको इंप्लीमेंटेशन में लाया जा सके. बजट हमारा फाइनेंशियल प्लान होता है. जब आपने ये देख लिया कि रॉ मटेरियल का जो हमारे पास प्राइजेस है वो इन फ्यूचर इंक्रीज होने वाले हैं, तो आप डिसाइड करोगे कि अगर टोटल 1 लाख रुपीज मैंने अपने बजट में रखे हैं तो उसमें से मैं कितना जो है अपने रॉ मटेरियल पर निकालूंगा, कितना मुझे अपने वेजेस देने के लिए साइड में रखना पड़ेगा. जब आप इन सारी चीजों को क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हो उसे हम बोलते हैं बजट. बट ये सब डिसाइड करने के लिए कितना वेजेस में एलोकेट किया जाए, कितना रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए पैसा लगाया जाए, कितना असेट्स को खरीदने के लिए पैसा लगाया जाए, इन सबको डिटरमाइन करने के लिए पहले आपको फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग करना जरूरी होता है. फॉरकास्टिंग में क्योंकि आप ये देखते हो कि फ्यूचर में क्या सिनेरियो रहने वाला है, और ये सिनेरियो कैसे जज किया जाता है, बेस्ड ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा, कि जो आज मार्केट की कंडीशन है और जो प्रीवियसली मार्केट की कंडीशन इन पास्ट ईयर्स रह चुकी है, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के बारे में एस्टिमेशन लगाया जाता है. ठीक है, तो आई होप सो आपको मीनिंग क्लियर है बिटवीन बजट एंड फॉरकास्ट. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो हमारा है वो है स्टेटस. स्टेटस से हमारा मतलब है कि क्या बजट होना चाहिए फॉरकास्टिंग के लिए, क्या बजट पहले हमें बनाना पड़ता है या पहले फॉरकास्टिंग करनी पड़ती है, तो पहले कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है. तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि फॉरकास्टिंग पहले की जाती है. फॉरकास्टिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर बजटिंग, बजट इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर फॉरकास्टिंग. इसका मतलब यही है कि जब अगर आप फॉरकास्टिंग करने जा रहे हो तो फॉरकास्टिंग के वक्त आपको बजट आपके पास होना जरूरी नहीं है, बट जब आप एक बजट प्रिपेयर करोगे तो फॉरकास्टिंग वहां पर एज अ प्री रिक्विजिट चाहिए होता है, क्योंकि बजट बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस आप फॉरकास्टिंग में ही डिटरमाइन करते हो. सो फॉरकास्टिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर बजटिंग, बट बजट इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर फॉरकास्टिंग. थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारे पास एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन से हमारा क्या मतलब है कि किसको एक्चुअली में इंप्लीमेंट किया जाता है. तो जो बजट है इज एक्चुअली मेंट फॉर एग्जीक्यूशन, बट अ फॉरकास्टिंग इज नॉट मेंट फॉर एग्जीक्यूशन. क्यों? क्योंकि बजट में ही आपने एक्चुअल डिटरमाइन किया कि कितना रॉ मटेरियल पर, कितना वेजेस पर खर्चा होगा, कितना असेट्स पर खर्चा होगा, और जितना आपने एक्चुअली डिटरमाइन करके अलग से एलोकेट या रिजर्व किया है पैसा, उसको आप एक्चुअली उस खर्चे में यूज करने वाले हो. ठीक है, सो बजट इज मेंट फॉर एग्जीक्यूशन, बट फॉरकास्टिंग इज नॉट मेंट फॉर एग्जीक्यूशन. फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारे पास पीरियड.
कि कितने टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है बजट और कितने टाइम पीरियड के लिए हम फॉरकास्टिंग करती हैं। गाइस, जो फॉरकास्टिंग होती है वो हम लंबे समय के लिए, लंबे टाइम के लिए करते हैं, और बजट जो है वो शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, से फॉर अ मंथ और अ ईयर और अ वीक। ठीक है, तो बजट जो है वो शॉर्टर पीरियड के लिए परफॉर्म किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है सॉरी, और फॉरकास्टिंग जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वो लॉन्गर पीरियड के लिए परफॉर्म किया जाता है। दैट मीन्स अगर आप आज बैठ के फॉरकास्ट कर रहे हो तो वो आप लंबे सिनेरियो को देखते हुए कर रहे हो कि इन फ्यूचर लंबे टाइम पीरियड में हमारी मार्केट कंडीशंस क्या रहने वाली हैं। बट जब बजट एग्जीक्यूट किया जाता है तो वो छोटे टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है कि अगले महीने हम क्या करने वाले हैं, या उससे अगले महीने, या फिर आने वाले एक साल में हमारा क्या खर्चा रहने वाला है, कितना कितना पैसा किस किस फंक्शन में लगाना है हमने। ठीक है, सो बजट का जो हमारा पीरियड इन्वॉल्व रहता है वो छोटा है, और फॉरकास्टिंग में जो पीरियड इन्वॉल्व है वो लॉन्ग है। नेक्स्ट है स्कोप। तो स्कोप में हमारे पास जो बजट है, बजट में आपकी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कवर होती हैं। दैट मींस जो बजट बनाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है, और हमारा जो फॉरकास्ट है उसमें इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती हैं। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है गाइज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं और परफॉर्म की जाती हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेन और अर्निंग प्रॉफिट, जैसे कि प्रोडक्शन एक्टिविटी, कंजम्पशन एक्टिविटीज। ठीक है, तो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, प्रोडक्शन करना है, सेल करना है, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है जो कि आप परफॉर्म करते हो विद द पर्पस ऑफ अर्निंग गेन। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो आउट ऑफ लव और अफेक्शन परफॉर्म की जाती है। इनके पीछे जो करने का मोटिव रहता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं रहता है। ठीक है, ये आउट ऑफ लव और अफेक्शन हम मेनली करते हैं। ठीक है, तो ये जो है फॉरकास्टिंग, हम दोनों तरह की एक्टिविटीज को फॉरकास्ट करते हैं, बट बजट सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए परफॉर्म बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन। तो जो बजट है उसका क्या यूज है? एप्लीकेशन का मतलब है यूज। व्हाट इज द यूज ऑफ अ बजट एंड व्हाट इज द यूज ऑफ अ फॉरकास्ट? मैंने आपको पहले ही बताया, फॉरकास्टिंग इसीलिए की जाती है ताकि हम एक अच्छा सा बजट प्रिपेयर कर सके। ठीक है, एक अच्छा सा फाइनेंशियल प्लान बना सके। और जो बजट है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि जो मैनेजरल एक्शंस हैं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, उन्हें अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। इट इज लाइक अ कंट्रोल टूल। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बजट एंड फॉरकास्ट। आई एम रियली होपिंग कि आपको मेरी वीडियोज, मेरा प्रोवाइड किया हुआ कॉन्टेंट अच्छा लगता होगा। इन केस एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। और आज का वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।